स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में इंदौरा से। तो यहाँ पे है मेरा कॉलेज, तो कॉलेज वगैरह पढ़ी हैं छुट्टियाँ, तो हम आज आपको बताएंगे अपना सराउंडिंग एरिया आसपास घूमकर कि कैसा है, आप सबको इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आज हमारे ब्लॉग्स की शुरुआत है, आज हमारा पहला ब्लॉग बनेगा यहाँ पे। तो सुबह के बज रहे हैं 7, तो उससे पहले नहाते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं इंदौरा की तरफ। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह लग गई थी हमारी ऑनलाइन क्लासेस, तो उसको पढ़कर हमने खाया था सुबह दही, तो दही खा के आ गए नींद और हम सो गए। तो अभी उठने बड़ी देर के बाद, और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, तो चल रहे हैं बाहर। तो आपके साथ ब्लॉग की शुरुआत की थी सुबह हमने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी तबाही हुई है, तो उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं यहाँ अभी बारिश का। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर पानी वगैरह कितना आया हुआ है। गाइस हमने ले लिए हैं बिस्किट्स, तो अब जाके अंदर खाएंगे, तो उसके बाद आपको लेट चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे आप देखेंगे कुदरत के नज़ारों। हम जा रहे हैं अरनी यूनिवर्सिटी आपको दिखाने के लिए कि जो अभी पानी का बाव बड़ा था तो उसकी वजह से क्या क्या हुआ था वहाँ पे। सूर्य अभी सोया हुआ है, मैं जल्दी उठ गया। तो आप, तो हम हो गए हैं तैयार वगैरह, अब हम जाएंगे अरनी यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे कहाँ कहाँ से। यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही उसका डिस्टेंस है। तो वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा पिछले दिनों में चढ़ गया था। सूर्या कर रहा अपनी बाइक स्टार्ट, और उसके बाद हम जाएंगे अरनी यूनिवर्सिटी, आपको सारा एरिया बताते बताते, बने रहे। अभी हम आ चुके हैं कौन से पड़ा है, तो अभी हम आ चुके हैं अरनी यूनिवर्सिटी वाले रोड पर। तो जो नीचे गया रोड, ये तो आठगढ़ मंदिर की तरफ गया है, एक दिन हम उस पर भी ब्लॉग बनाएंगे। तो आज हम 2 किलोमीटर अंदर जाकर आपको पूरा बताएंगे हम क्या क्या वहाँ पे हुआ, तो बने रहे हमारे साथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे आधे रास्ते में, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे किस हिसाब से तबाही हुई है। तो आपको मैं ऐसे विजुअल बताने जा रहा हूँ कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड ही डैमेज हो गया है पानी की वजह से। तो आप देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आधा रोड ही चला गया है पानी के साथ, और ये पूरा साफ़ रोड था ऐसा ही, और पानी के बहाव के साथ ये सारा रोड उड़ गया है। तो अभी आगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हमें नीचे से जाना पड़ेगा। तो गाइस गाइस गाइस, जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे तबाही हो चुकी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप सब हिमाचल के लिए प्रे करें। जैसा कि हमने सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखी थी तबाही, पर ये अभी मुझे देख के कुछ हो रहा है अंदर से। तो आप देख सकते हैं खेतों के खेत यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, रोडें टूट गई हैं सभी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दूर दूर तक पानी लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं रोडों की हालत, रोड का हर एक रोड टूट गया है यहाँ पे। हम एक बार पहले भी आए थे अरनी यूनिवर्सिटी देखने, पर तब ये बिल्कुल साफ़ रोड था। तो आप देखते हैं किस हिसाब से बारिश हुई होगी, तो ये तबाही सारी हुई होगी। तो आप देखते हैं ये सारी तबाही पोंग डैम के
जो 32 के 32 गेट थे ये ओपन किए गए थे, तो उसकी वजह से जो पानी का बाफ था ये बढ़ गया था और उसकी वजह से ये सारी तबाही हो गई है। देखते हैं आप पानी किस हिसाब से जा रहा है। ये पानी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कितना ज़्यादा जो डैमेज हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अरनी यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके जो फोर वॉल है ये टूट चुकी है सारी, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो हुआ है इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या नुकसान हुआ है। पानी का बहाव देख सकते हैं आप कितना तेज पानी जा रहा है, देखिए ये सब टूट चुका है। ये रोड था सारा और ये रोड टूट गया है। अंदर से देख सकते हैं आप पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी तबाह हो चुकी है, देखिए। आप देख सकते हैं पानी का बहाव अभी भी उसी प्रकार से लगातार चल रहा है और कुछ कह नहीं सकते। अगर बारिश और होती है तो ये तबाही और हो जाएगी क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश अगर और हुई तो तबाही और पक्का होगी। आप देख सकते हैं पुल, ये पानी पुल के ऊपर से भी गया हुआ है। जब 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी तो ये पानी पुल के ऊपर से गया था। तो जल्दी जल्दी उछल चल मोड़ दे। तो हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है, यहाँ पे रिक्स नहीं लेना चाहिए, डर की बात नहीं है। तो आप सभी देख सकते हैं कि भगवान अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हिमाचल के लिए आप सभी प्रे करें कि जल्दी से जल्दी ये हालात ठीक हों और सभी लोग अपने सुरक्षित रहें और सभी अपने नॉर्मल टाइम पे वापस आएँ, जिनका काम हुआ है रिकवर हो सके जल्दी से जल्दी। आप सभी प्रे करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही हो गई है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि हालात देखकर हम भी डर गए हैं। हमने तो आज तक न्यूज़ में ऐसा देखा था कि बाढ़ आई है और आज हमने पास से देखे हैं विजुअल्स की क्या हालत हो गई है यहाँ पे, धरती उल्टी फुलटी हो गई है गाइस। तो इसलिए सभी आप प्रे करें और हम जा रहे हैं वापस अभी अपने कमरे में क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी रुकना नहीं चाहेंगे। हमने तो आपको सिर्फ दिखाना था, हमने सोचा नहीं था कि इतना होगा। मैंने सोचा था कि नॉर्मल पानी वगैरह आया होगा और थोड़ा होगा डैमेज, पर यहाँ पर आकर देखकर हमने जो देखा है उसके बाद तो हम इधर नहीं आएंगे कभी भी क्योंकि बहुत ही डरावना विजुअल आप सब भी देखेंगे, आप सबने भी देखे होंगे। तो करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। आप सबको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हिमाचल के लिए प्रे करें ताकि ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सके। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं।